युवा करेगा क्रांति कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले युवा कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था, जिसका शीर्षक क्या हुआ तेरा वादा रखा और लाखों युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड भेजे थे। युवा कांग्रेस भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं से कई बार रोजगार के झूठे वादे किए। मध्य प्रदेश का युवा अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित है। अब युवा करेगा क्रांति कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। इसमें पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया था, क्या हुआ तेरा वादा, जिसके तहत लाखों युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड भेजे हैं। लगभग यह 5 लाख पोस्ट कार्ड है। उन्हीं पोस्ट कार्डों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने युवा कांग्रेस पहुंचेगी। मितेंद्र दर्शन ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के हितों में 5 मुख्य मुद्दे हैं, जिनको लेकर हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। पहला सवाल है कि युवाओं को 2.5 लाख नौकरी कब मिलेगी। सरकार ने चुनाव में युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकर आज तक कोई नौकरी नहीं मिली है। वहीं दूसरा सवाल है कि 1.3 करोड़ आवास बहनों को कब मिलेंगे। सरकार ने तीसरा सवाल यह है कि सरकारी नौकरी की परीक्षा फॉर्म फीस कब माफ होगी। वहीं चौथा सवाल, नर्सिंग घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। और पांचवा सवाल, देश के अन्नदाता किसान को MSP कब मिलेगी। भाजपा ने जो ये कार्य करना चालू किया है फ्री में सेवा बांटने का, मैं ये मानता हूँ कि भाजपा इस समय सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं पैसे, जो हम कहेंगे, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से भाजपा चुनाव के समय पैसे डालती है, क्या वो जायज़ है? क्या 2 दिन पहले ये लोग पैसे डालते हैं लीगल तरीके से? बात यह है कि हमें मुद्दे की बात करनी है 2.5 लाख नौकरी की, बात यह है हमें मुद्दे की बात करनी है 1.5 करोड़ के आवास की। ये तो जो भाजपा कर रही है कथनी करनी में, ये तो हम लोग आपसे हर दिन चर्चा करेंगे फ्री 20 की, लेकिन अभी सवाल क्या है इस आंदोलन के मुद्दों का, जिस पे मैं सबसे ज्यादा गौर फरमाना चाहता हूं, और वो है कि 2.5 लाख नौकरियां दी जाए, वो है वो आवास बनाए जाए, और वो है कि किसानों को सही MSP दर दी जाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।